गाइस क्वेश्चन देखते हैं। सपोज सिचुएशन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका आधा पार्ट रफ है, ये पार्ट रफ है, और जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट यहां तक स्मूथ है। ठीक है, यहां तक सिलेंडर छोड़ा है ना, यहां से सिलेंडर छोड़ा, सॉलिड सिलेंडर है, और ये यहां से ये, तो ये डिस्क वाला केस हो गया ना, सॉलिड सिलेंडर है तो डिस्क वाला केस हो गया, ये नीचे आएगा भाई, रफ है और सफिशियंट रफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो टॉर्क देगा, टॉर्क के कारण अल्फा भी होगा और acm भी होगा, acm माइनस r अल्फा जीरो होगा। लॉस इन जीपी, इज, और ये मान लो कि ये हाइट कितना नीचे आया, सेंटर ऑफ मास नीचे आया, हाइट h, जब ये हाइट h नीचे आया, छोटा क्यों हो गया नीचे आते आते, ठीक है, तो ये नीचे आते आते लॉस इन जीपी इज गेन इन ट्रांसलेशनल के ई प्लस गेन इन रोटेशनल के ई, तो लॉस इन जीपी गेन इन ट्रांसलेशनल के ई प्लस रोटेशनल के ई, एंड देर विल बी नो हीट बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण कोई रबिंग तो होती नहीं है, तो हीट जनरेशन नहीं होता, और यहां पर नो स्लिप कंडीशन लगेगा, तो क्या आ जाएगा, VCM माइनस R ओमेगा इज जीरो, VCM माइनस R ओमेगा इज जीरो, तो VCM इज R ओमेगा। ट्रांसलेशनल के ही हो जाएगा हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू ओमेगा स्क्वायर, एम काट दो, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर लिख दो, ये आ जाएगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 इज 3 बाय 4, दैट इज 4 जी एच बाय 3 का अंडर द रूट इज वी सी एम, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू आर ओमेगा, यहां तक का समझ में आ गया, यहां पर तुम्हारे पास वी सी एम भी आ गया और एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई। अब क्योंकि ये जमीन कर दी स्मूथ, इस बॉडी पे सिर्फ एम जी लगेगा और नॉर्मल लगेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगेगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, टॉर्क नहीं लगेगा तो अल्फा नहीं होगा, और अल्फा नहीं होगा तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो अब और ये नीचे जाएगा तो वीसीएम तो बढ़ता जाएगा, और ओमेगा उतना ही रह जाएगा, एग्जैक्टली, फर्दर लॉस इन जीपी इज गेन इन ओनली ट्रांसलेशनल के, फर्दर लॉस इन जीपी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको वी फाइनल बोल दिया, और ओमेगा पुराने वाला ही है, यहां वाला एंगुलर वेलोसिटी ही है, तो फर्दर लॉस इन जीपी इज गेन इन ट्रांसलेशनल के। अब ये वाली हाइट भी एच बोली गई है, तो अब मैं यहां से यहां पे अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा तो मैं कहूंगा लॉस इन जीपी बोल दो एमजीएच, और गेन इन क्या बोलोगे, ट्रांसलेशनल के ई ओनली, तो फाइनल माइनस इनिशियल बोल दोगे तो दैट विल बी हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। वी वन कौन से वाला हो गया, ये वाली वेलोसिटी हो गई ना, वी वन ये वाली हो गई, दैट इज 4gh बाय 3 वाला रूट वाला, इसको लिख दो 4gh बाय 3। कितना आ गया,
ये आ गया 1/2 और यहां पर 1 + 2/3 इज 5/3 दैट इज 5/3 10/3 तो 10 GH/3 का अंडर द रूट ये भी 2 आ गया गॉट इट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब ये नीचे पहुंच गया तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी वो पुराने वाला ओमेगा ही रहेगा तो 1/2 icm ω² 1/2 और m तो कट गया अब ये बन जाएगा v² वाज 10 GH/3 डिवाइडेड बाय r² ω² वाज v1² v1² था 4 GH/3 और उसके साथ 1/2 भी था रेशो आ गया 5:1 दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन है ट्रैक है और ये रफ है ये ट्रैक कैसा है रफ है फिर इसने कहा उसका जो ट्रैक का लोअर पोर्शन है वो सेमी सर्कुलर है और ठीक है यहां पर कॉर्नर नहीं होना चाहिए दैट वुड बी अ डिजास्टर नहीं तो कोलिजन वाली बात हो जाएंगी क्या है ये ट्रैक है और ये रफ ट्रैक है अब ये कह रहा है ये बॉटम और ये नीचे ये पूरा ट्रैक रफ है ट्रैक का रेडियस और नीचे वाला पार्ट सेमी सर्कल टाइप है सेमी सर्कुलर है जिसका रेडियस कितना है कैपिटल आर ट्रैक के इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से एक बॉडी रखी गई क्या चीज है सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है रेडियस स्मॉल r है नीचे वाले पॉइंट से हाइट है 10 R 10 R प्लस स्मॉल r और ये यहां से छोड़ दिया इसका v भी जीरो और ओमेगा भी जीरो ये रफ ट्रैक है तो ये क्या करेगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता हुआ जाएगा अज्यूमिंग सफिशिएंट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लिपिंग जब वो नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचा तो उसका कुछ वीसीएम भी होगा और कुछ ओमेगा भी होगा यहां तक की बात समझ में आ गई मैंने कहा सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया ये हाइट स्मॉल आर हो गई तो सेंटर ऑफ मास नीचे आया 10 R Got it? Center of mass नीचे आया 10 R Loss in GP कितना हो गया mg 10 R is 1/2 mvcm² plus 1/2 icm that's 2/5 mr² ω² No slip condition कहेगा v equal to r omega vcm निकल जाएगा vcm कितना आ जाएगा m कट जाएगा
ठीक है, ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी नीचे वाले पॉइंट पे। अब यहां पर पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द फोर्स विद विच द स्फीयर प्रेसेस अगेंस्ट द ट्रैक एट दिस पॉइंट। मैं ये कहूंगा ध्यान से देखो, अब अजीब सी चीज बोल रहा हूं। यहां पर कुछ VCM है और कुछ ओमेगा है। मैं अगर इस यहां पर बैठ के देखूं तो क्या मैं कह सकता हूं जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो इसमें चल रहा है? हाँ, सेंटर ऑफ मास तो इस सर्कल में जा रहा है। इस बॉडी पे देखा जाए तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, लग रहा होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। स्टैटिक ही लगेगा, काइनेटिक तो नहीं लगेगा। गॉट इट? अब ये बताओ जो ये सर्कल में जो ये जा रहा है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास एफ एक्सटर्नल इज MACM करते हैं। सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी है और जो सेंटर ऑफ मास है वो किस सर्कल में जा रहा है ऑफ रेडियस r माइनस r। तो इस सेंटर ऑफ मास की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगी? ये इस सर्कल में जा रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ। सेंटर ऑफ मास की कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन r माइनस r। गॉट इट? तो यहां पर इस बॉडी को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं नॉर्मल माइनस mg इज m VCM का स्क्वायर अपॉन r माइनस r। नॉर्मल माइनस mg इज mv स्क्वायर बाय r। गॉट इट और नॉट? और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v स्क्वायर बाय r करोगे ना, रेडियस ऑफ व्हाट इन विच द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग, इट इज मूविंग इन अ स्मॉल r। यहां तक का समझ में आ गया? तो हम ये कहेंगे यहां पर नॉर्मल की वैल्यू पूछिए वो आ जाएगी mg प्लस एम आर माइनस आर वी स्क्वायर को लिख दो 100 जी आर बाय 7, दैट्स 100 जी आर बाय 7। यहां से निकल गया तुम्हारा नॉर्मल, यहां से निकल गया तुम्हारा नॉर्मल। एनी प्रॉब्लम? फिर अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन आया, इन्होंने कहा यहां से छोड़ा था और यहां पहुंच गया और पूरे में रफ था तो हर जगह रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है और ये सेमी सर्कल के यहां पहुंच गया तो यहां पर इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई v और ये हो गया कुछ ओमेगा। अब मुझे ये v और ये ओमेगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा इधर से इधर तक, सीधा इधर से इधर तक। तो ये था 10r प्लस r और ये था कैपिटल R, तो ये आ जाएगा 9R प्लस R। तो वहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, MGH, H की जगह आ गया 9R प्लस R इज हाफ M VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM को लिख देंगे 2/5 MR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। गॉट इट? M काट दिया। अच्छा, ये वाला VCM और R ओमेगा भी हमारे नो स्लिप कंडीशन है तो V इक्वल टू R ओमेगा कर देंगे, तो इसके R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को V स्क्वायर ही लिख दो। तो ये आ गया 1/2 प्लस 1/5, दैट्स गोइंग टू बी 7/10। तो ये आ गया 10 mg या रादर 10g 9R प्लस R अपॉन 7 का अंडर द रूट इज V, दैट शुड बी R ओमेगा, दैट शुड बी इक्वल टू आर ओमेगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब स्टोरी ये बनी है कि जब ये यहां से छोड़ा और ये रोल करता हुआ यहां तक पहुंच गया, इस सेमी सर्कुलर पार्ट पे पहुंच गया, यहां पे ट्रैक खत्म हो गया। तो द ओनली फोर्स एक्टिंग इज एम जी, देर इज नो टॉर्क, क्योंकि अब तक तो स्टेटिक लग रहा था जो टॉर्क देता था, जो एल्फा देता था, अब तो टॉर्क लग ही नहीं रहा। इसका मतलब अब जब ये ऊपर चढ़ेगा तो इसका ये जो v है ना ये कम होएगा, ओमेगा उतना ही रहेगा। गॉट इट? तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो इस हाइट को अगर मैं बोल दूं h,
तो मैं ये कहूंगा यहां से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सिर्फ ये कहेंगे लॉस इन ओनली ट्रांसलेशनल के ही इज गेन इन जीपी, क्योंकि रोटेशनल तो सेम ही रहेगा क्योंकि टॉर्क तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ लग ही नहीं रहा। तो यहां से यहां तक क्या बोलोगे इक्वेशन, हाफ एम VCM स्क्वेयर इज MGH, लॉस इन ट्रांसलेशनल के इज गेन इन GP, तो H आ जाएगा V स्क्वेयर बाय 2G। V स्क्वेयर बाय 2G कितना हो जाएगा 5, V स्क्वेयर करो ना 5 9R प्लस R बाय 7, ये आ गया। ये तुम्हारा क्या निकल के आया, यहां से हाइट निकल के आई है, और अगर वो नीचे वाले पॉइंट से बोल देता तो उसमें कैपिटल R ऐड कर देते, तो उसमें कैपिटल R ऐड कर देते तो नीचे वाले पॉइंट से हाइट आ जाती। ये दीवार है, ये दीवार है, दोनों क्या हैं, क्या हैं स्मूथ, दोनों क्या हैं स्मूथ। यहां पर एक रॉड ली ऐसे, रॉड का मास m है और लेंथ l है, और नीचे वाले एंड को हल्का सा टच करके छोड़ दिया, टच मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही मानो, बस हल्का सा खिसका दिया, और वो खिसक जाएगी ना तो गिरेगा, वो रॉड कैसे गिरेगी, वो ऐसे गिरेगी, पहले वो ऐसे थी फिर वो ऐसे जाएगी फिर वो ऐसे जाएगी, does that make sense? धाड़ Got it? क्या मैं कह सकता हूं कि ये जनरल रिजिड बॉडी मोशन है, FAOR तो है नहीं, कहीं हिंज तो है नहीं, इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पे जब वो यहां पहुंच गई, मान लो ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ऑल्सो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा पे डिपेंडेंट, कि किसी एंगल 30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे कितना हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब ये यहां पहुंचेगी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक तो एक्स कॉम्पोनेंट होगा और एक वाई कॉम्पोनेंट होगा, डज दैट मेक सेंस? हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्स में भी चलेगा और वाई में भी चलेगा, और फील आ रही है मुझे कि एंगुलर वेलोसिटी ऐसी होगी, डायरेक्शन ऐसे गिर रही है ना, सेंटर में बैठ के देखोगे तो ऐसे ही घूमता हुआ लग रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एक इक्वेशन तो बना दोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कहोगे लॉस इन जीपी कितना होगा, पहले हमारा सेंटर ऑफ मास था हाइट एल बाई टू पे, अब हमारा सेंटर ऑफ मास है हाइट एल बाई टू साइन थीटा पे, तो हम कहेंगे एमजी एल बाई टू वन माइनस साइन थीटा इज गेन इन ट्रांसलेशनल के ई, दैट इज हाफ एम वीसीएम स्क्वेयर, कैन आई से वीसीएम स्क्वेयर इज वीएक्स स्क्वेयर प्लस वीवाई स्क्वेयर के अंडर द रूट का स्क्वेयर प्लस हाफ आईसीएम हो जाएगा एमएल स्क्वेयर बाय 12 ओमेगा स्क्वेयर। यहां से एक इक्वेशन आ गई, प्रॉब्लम कहां पर है, तीन अननोन है, तीन क्या क्या अननोन है, वीएक्स वीवाई एंड ओमेगा, वीएक्स वीवाई एंड ओमेगा, VX, VY and Omega. तो
तो अगर मुझे vx, vy और ओमेगा चाहिए तो मुझे दो और रिलेशन चाहिए, क्योंकि एक इक्वेशन तो यहां से आ गई। तो या तो मैं vx को ओमेगा के टर्म्स में निकाल लूं, या मैं vy को ओमेगा के टर्म्स में निकाल लूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, vx को ओमेगा के टर्म्स में डालूंगा तो यहां पर डाल दूंगा, vy को ओमेगा के टर्म्स में डालूंगा तो यहां पर डाल दूंगा, और उसके बाद फिर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा क्या निकल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी। उसके बाद vx और vy भी निकल जाएगा। अब वो कैसे निकाला जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये रॉड यहां पहुंची, जब ये रॉड यहां पहुंची, इसका हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माना है vx, इधर माना है vy, ये एंगल माना है थीटा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जमीन पे कोई पॉइंट ढूंढ लो जिसका कोऑर्डिनेट मैं ओरिजिन मान लूं? ऐसा पॉइंट होना चाहिए जमीन वाला पॉइंट जो खुद ना चल रहा हो, मतलब इसको ओरिजिन मत मानो, क्योंकि इसको ओरिजिन मानोगे तो तुम इसके रेस्पेक्ट में अगर कोऑर्डिनेट्स लिखते हो और पॉइंट्स के, तो वो और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ दोस कोऑर्डिनेट्स विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से अगर कोऑर्डिनेट्स लिखना चालू करूं तो क्या आ जाएगा, औरों की वेलोसिटी आ जाएगी विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ये खुद चल रहा है, ये वाला खुद चल रहा है, तो ऐसा पॉइंट जमीन पे उठाओ जो रेस्ट पे हो, ऑब्वियसली दिख रहा है कि इसको ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लोगे तो क्या मैं कह सकता हूं इस वाले पॉइंट, इस पॉइंट को ए बोल दें, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एल कॉस थीटा कॉमा जीरो। और ये कितना हो जाएगा, जीरो कॉमा एल साइन थीटा। और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, L by 2 cos theta, comma L by 2 sin theta। तो ये हो जाएगा L by 2 cos theta, comma L by 2 sin theta। ये तुम्हारा center of mass का coordinate हो गया। अब अगर मैं ये center of mass के coordinate को differentiate कर दूं with respect to time, मतलब x और y coordinate हो गया center of mass का, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx by dt, dx by dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, dy by dt वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट। सो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वेक्टर फॉर्म वुड बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नहीं टाइम। तो ये हो जाएगा l by 2। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है तो यहां पे चेन रूल लगा दो, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो cos का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो l by 2 माइनस साइन थीटा इनटू d थीटा बाय dt आई के प्लस l by 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप। ये समझ में नहीं आया हो तो आई विल रिपीट, एनीबडी आ गया, बेटा वो अपने आप एडजस्ट होएगा, पता है कैसे एडजस्ट होएगा, तुमने ये एंगल थीटा लिया है और तुमने एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लिया है, कैन आई से एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द एंगल। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आया, ये तो ऐसे सोचो ना कि भाई ये x इक्वल टू जीरो है, ये लोकेशन x है, और वेलोसिटी अगर इधर लिखूंगा तो v को क्या लिखूंगा, प्लस dx बाई dt, और वेलोसिटी अगर इधर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्स, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी। अब तुम ऐसे कहो कि भाई ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला रॉड है, ऐसे लगा दिया, ये एंगल थीटा है और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है, तो ओमेगा को क्या लिखोगे, माइनस डी थीटा बाई डी टी। अब अगर तुम एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लेते तो ओमेगा को क्या बोलते, प्लस डी थीटा बाई डी टी। तो इस लॉजिक के बेसिस पे मैं ये कहूंगा d थीटा बाई dt को क्या लिखूंगा, माइनस ओमेगा, और यहां पर भी क्या लिखूंगा, माइनस ओमेगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही हो गया,
क्योंकि vx तो हो गया माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव ही हो गया, तो टेक्निकली तुम्हारा vx हो गया l by 2 ओमेगा साइन थीटा, और vy हो गया vy माइनस vy j कैप है ना, तो vy कितना हो गया l by 2 ओमेगा cos थीटा, क्योंकि दिस इज लाइक vx i कैप माइनस vy j कैप, vx i कैप माइनस vy j कैप। तो जो हमारी फील थी कि x में इधर जा रहा है और y में नीचे जा रहा है वो भी गलत नहीं थी, सही थी वो फील, गॉट इट और नॉट? मेरे ख्याल से अब सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। कैसे सॉल्व हो चुका है? vx स्क्वायर को लिख देना, vx स्क्वायर को लिख देना l by 2 ओमेगा साइन थीटा का स्क्वायर, और vy को लिख देना l by 2 ओमेगा cos थीटा का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, ठीक है? तो ये कितना बन जाएगा राइट हैंड साइड हाफ m l स्क्वायर by 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा स्क्वायर इज एम जी एल बाय 2 वन माइनस साइन थीटा। क्या मैं कह सकता हूं ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया यहां से, यहां से ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, जो कि टफ नहीं है, तो बहुत आसान सा बनेगा। तो ये बनेगा हाफ एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर, गॉट इट? तो यहां से तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, जब ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया यहां पे डाल दोगे तो vx एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, और यहां पे डाल दोगे तो vy एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया। समझ में भी आया है? तुम्हें लग रहा था क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी नहीं हुआ, मुझे कुछ और भी समझाना है। क्वेश्चन ये भी बन सकता था, क्वेश्चन ये भी बन सकता था, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो सोच रही है ऐसे कुछ फील आ रही है ऐसा। मैंने कहा देखो जरा सेंटर ऑफ मास के तुमने कोऑर्डिनेट ये लिखे हैं, इसको लिख दो एक्ससीएम, इसको लिख दो YCM, this is X coordinate of center of mass, this is Y coordinate of center of mass, and these coordinates are written in parametric form, parameter is theta, eliminate the theta, how can you eliminate the theta? तुम कह रहे हो ना XCM कितना है, XCM है L by 2 cos theta, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं एक्ससीएम का स्क्वायर प्लस वाईसीएम का स्क्वायर इज एल बाय टू का स्क्वायर, ये क्या चीज है? इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो पता है सेंटर ऑफ मास सर्कल में जा रहा है, ऐसे सर्कल में, वैसे जाएगा। तुम्हें कर्वेचर गलत फील हो रहा था? जाता होगा भाई, मैथमेटिक्स तो यही कह रहा है, ऐसे था, ऐसे था, और ये इक्वेशन आ रही है। रॉड ऐसे थी पहले, रॉड ऐसे थी, रॉड का मिड पॉइंट यहां पे था, तो वो रॉड जब ऐसे गई होगी थोड़ी तो मिड पॉइंट यहां पहुंचा होगा, जब रॉड ऐसे गई होगी थोड़ी मतलब वो मिड पॉइंट यहां पे चलेगा, और जब वो जाएगी तो यहां पे गिर जाएगी। थोड़ी देर पहले उसकी हालत ये रही होगी कि वो सेंटर ऑफ मास यहां पर है, उससे पहले उसकी हालत ये रही होगी कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तुम्हें कुछ ऐसी सी फील आ रही थी कि भाई कर्वेचर शायद इस टाइप का हो, मतलब Come on, equation is saying कि xcm square plus ycm square is l by 2 का square, radius of l by 2,
सेंटर्ड एट ओरिजिन. समझ में आ गया यहां तक? अभी भी खत्म नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, अभी भी खत्म नहीं हुआ है. और क्या पूछ सकते हैं? हमने क्या क्या निकाल लिया था? हमने निकाला था एंगुलर वेलोसिटी, हमने निकाला था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वाई कंपोनेंट. उन्होंने पूछा क्वेश्चन वाले ने, मान लो ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, कैन आई से वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज, इसके कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंशिएट कर दो, ये कितना हो जाएगा, एल कॉस का हो जाएगा माइनस साइन डी थीटा बाय डी टी को लिख दोगे माइनस ओमेगा आई कैप प्लस जीरो जे कैप. डू यू रियलाइज दिस इज टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. यार होना भी चाहिए, क्यों होना भी चाहिए? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट था एल बाई टू कॉस थीटा, इसका कोऑर्डिनेट उस वाले कोऑर्डिनेट का डबल है, उसका डिफरेंशिएशन भी डबल ही होगा, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट होगा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, उसका डबल. देखना इसका टू वाई कैप आ जाएगा नीचे, मतलब ये जा रहा होगा टू वी एक्स से और ये जा रहा होगा टू वी वाई से. वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, इसको बी बोल दो, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, जीरो आई प्लस एल कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी माइनस ओमेगा जे कैप. वी वाई कितना था, एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, एल माइनस एल एल ओमेगा कॉस थीटा, दैट इज टू वी वाई माइनस टू वी वाई जे कैप. कह रहा था डबल आएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ जो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट था, इसका वाई कोऑर्डिनेट उसका डबल था, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास थी हमारी वी वाई नीचे, इसकी टू वी वाई होगी या नहीं होगी? गॉट इट? अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन इज स्टिल गोइंग ऑन. देखो कभी क्वेश्चन ऐसा पेपर में नहीं आएगा. कैसा आएगा? इसका पार्ट आएगा उठ के. पार्ट तो उठ के आराम से आ सकता है. कैसे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट है 2 मीटर पर सेकंड, इधर है 3 मीटर पर सेकंड, इसका कितना हो गया, इधर 2 था 2 का हो गया 4 और इधर 3 था 3 का हो गया 6. बेसिक फंडा तो यही लगा. और ये चीज क्या करी है, सच्चाई सच्ची बात करी है, तो ये कंस्ट्रेंट किया हमने, कोऑर्डिनेट्स लिख के डिफरेंशिएट करना, कंस्ट्रेंट्स में ही तो करते थे हम जब न्यूटन लॉस कर रहे थे, डिफरेंशिएट मारते थे फिर डिफरेंशिएट मारते थे. यू आर रिमेंबरिंग दैट थिंग? हाँ, तो वही काम तो कर रहे हैं हम यहां पे भी. अच्छा, अगर देखा जाए ये रॉड थी, ये एंगल थीटा है, इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था वी एक्स, वाई कंपोनेंट था वी वाई, ऐसे था ओमेगा. मैंने वी एक्स वी वाई और ओमेगा में रिलेशन कैसे निकाला था, याद करेंगे इसको घर पे जाके कम से कम 3 बार लिखना, जैसे तुम्हें प्रोसीजर रटा जाए. क्योंकि प्रोसीजर क्या था, कोऑर्डिनेट लो, उसके कोऑर्डिनेट लिख दो, इसके कोऑर्डिनेट लिख दो, हाँ या ना, इसके कोऑर्डिनेट लिख के सेंटर ऑफ मास के उनको डिफरेंशिएट कर दो, तो उससे आ जाएगा l by 2 minus sin theta into minus omega i cap, l by 2 cos theta into minus omega j cap. तो vx आ गया l by 2 omega sin theta, v by आ गया l by 2 omega cos theta. That's one way of doing it. Another way of doing it is, ऐसे सोचो, इस point का velocity general rigid body motion से कितना होगा, हम कह सकते हैं vx होगा, vy होगा. हाँ, क्योंकि जीआरबीएम में यही करते थे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेते थे. ओमेगा ऐसे लिया है, तो ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट से घुमा के देखूंगा तो ऐसे आएगा, कितना, एल बाय टू ओमेगा 90 डिग्री पे.
अब सोचूंगा मैं, अब मैं सोचूंगा, मैं ये कहूंगा जो ये पॉइंट है इसके यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मान लो, एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अलाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। बेटा सो लो, समझ में आया ये? एल बाय टू ओमेगा पर एट एंगल थीटा हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं इस पॉइंट की वेलोसिटी इन ग्रीन वाली वेलोसिटीज का वेक्टर सम है, इन तीन वेलोसिटीज का? लेकिन मुझे ये भी पता है ये पॉइंट सिर्फ इस प्लेन के अलोंग चलेगा, तो इसका मतलब y कंपोनेंट कट जाने चाहिए, y कंपोनेंट कट जाने चाहिए। तो y कंपोनेंट अगर कट जाने चाहिए तो इसका मतलब l by 2 ओमेगा cos थीटा शुड बी vy, दैट्स व्हाट वी गॉट। भाई तुमने इसका vx लिया, vy लिया और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ओमेगा ली थी, अब ये बताओ इसकी वेलोसिटी कैसे लिखनी चाहिए? जनरल रिजिड बॉडी मोशन का बेसिक फंडा क्या कहता था? प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। प्योर ट्रांसलेशन के बेसिस पे कह दिया इधर होना चाहिए vx, इधर होना चाहिए vy, और सेंटर पे अगर हिंज मान के ऐसे घुमाए ओमेगा से तो ऐसे हो जाना चाहिए एल बाई टू ओमेगा आर ओमेगा। फिर मैंने कहा कि यहां पर दो एक्सिस ले लो, यही दो एक्सिस क्यों ली? मैंने कहा अलोंग द प्लेन इसकी वेलोसिटी एक्चुअली में होनी चाहिए, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाने चाहिए, कट जाने चाहिए। ये भी तो कंस्ट्रेंट ही है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन कॉन्टेक्ट विद अ प्लेन इट्स वेलोसिटी शुड बी अलोंग द प्लेन, तो उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन नेट कितनी होनी चाहिए? जीरो। तो इसका मतलब एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा और वी वाई क्या हो जाने चाहिए, कट जाने चाहिए, शुड बी सेम एज वी वाई। और उसका x कंपोनेंट कितना होना चाहिए सोच के, vx plus l by 2 omega sin theta। अभी हमने प्रूव नहीं किया है l by 2 omega sin theta vx ही था, मैंने कहा रुको अब इस पॉइंट को देखते हैं। बेटा इधर देखो, इधर कितना होगा इसको देख के, इसको देख के इधर हो जाएगा vy, इधर हो जाएगा vx, ऐसे omega है तो रॉड के परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा L by 2 omega, align makes angle theta with horizontal line perpendicular to that makes theta with vertical। अब मैं कहूंगा यार ये वाला पॉइंट दीवार के अंदर थोड़ी घुसेगा, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी दीवार के परपेंडिकुलर जीरो हो जानी चाहिए, ये वाला कंपोनेंट कट जाना चाहिए। तो उससे मैंने कह दिया vx should be L by 2 omega sin theta। अब मैंने ये कह दिया vx is l by 2 omega क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कट गए, और इधर कितनी हो गई वेलोसिटी vy plus l by 2 omega cos theta, और vy was l by 2 omega cos theta, तो नेट की तरह क्या हो गई नीचे की तरफ 2 vy। मैंने कहा भाई तो आ रहा था इसकी 2 vy तो आ रही थी नीचे, और मैंने यहां पे प्रूव कर दिया vx is l by 2 omega sin theta, यहां पे इसकी कितनी आ रही थी vx plus l by 2 omega sin theta, तो वो कितनी हो गई 2vx। मैंने एक और हथियार दिया है तुम्हें, पता चला हथियार बैकफायर किया और तुम ही मर गए। आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, बोलो बोलो क्या दिक्कत है? टू वी एक्स कैसे किया? मैंने कहा भाई इसको रिजोल्व किया था तो इधर की तरफ कितना था l बाई टू ओमेगा साइन थीटा और इधर vx भी था, तो इन दोनों का एडिशन नेट वेलोसिटी हो जाएगी ना, और मैंने अभी प्रूव कर दिया vx is l by 2 omega sin theta, तो कितना हो गया 2vx। ऐसे था, इधर देख लो फिर से सब, ये रॉड थी, इधर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vx थी, vy थी, ओमेगा था, ये थीटा था, इसका इधर हो गया vx, इधर हो गया vy, इधर हो गया l by 2 omega, ठीक है। फिर मैंने कहा और ये 90 डिग्री होगा, फिर मैंने कहा दो एक्सिस चूज करी, ये वाला एंगल थीटा होगा, इधर हो जाएगा l by 2 omega sin theta, इधर हो जाएगा l by 2 omega cos theta, इधर हो गया vx, vy, इधर हो गया L by 2 ओमेगा
ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा एल बाय टू ओमेगा साइन थीटा, एल बाय टू ओमेगा कॉस थीटा। फिर मैंने ये कहा कि इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी प्लेन के अलोंग होनी चाहिए, तो ये कट जाए, तो वी वाई आ गया एल बाय टू ओमेगा कॉस थीटा। और मैंने कहा इसकी भी नेट वेलोसिटी प्लेन के अलोंग होनी चाहिए, तो ये कट जाए, तो वी एक्स आ गया एल बाय टू ओमेगा साइन थीटा। फिर मैंने कहा कि यहां पर कितना था, एल बाय टू ओमेगा साइन थीटा और वी एक्स का सम, तो ये आ गया टू वी एक्स। और यहां पे हो जाएगा वी वाई प्लस एल बाय टू ओमेगा कॉस थीटा, एल बाय टू ओमेगा कॉस थीटा वी वाई के बराबर था, तो यहां पर हो गया टू वी वाई। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, गॉट इट? पक्का गाइस? अच्छा मान लो कभी क्वेश्चन आया, ये जमीन है, ये रॉड है, और ये एक और रॉड है, इसका लेंथ भी L है, इसका लेंथ भी L है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल थीटा सेम ही होंगे। Got it? इसको जमीन पे हिंज कर दिया गया, यहां पर हिंज कर दिया गया, ये नहीं मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा। Got it? समझ में आया क्या किया है भाई? एक रॉड को तो जमीन पे हिंज कर दिया, और दूसरी रॉड है, इसका ये वाला एंड नहीं मूव करेगा, यहां पे हिंज्ड है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये एल है, ये एल है, इसको वी नॉट से दौड़ा दिया, इसको वी नॉट से दौड़ा दिया, इसको वी नॉट से दौड़ा दिया। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, वहां पे भी हिंज्ड है, वो फ्री हिंज है, फ्री हिंज का मतलब समझ आया, तो वो फ्लेक्सिबल, हाँ फ्लेक्सिबल सा है, तो ए वाला पॉइंट चलेगा ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इन द गिवन टर्म्स, इन द गिवन टर्म्स, ही इज लाइक क्या हो गया, कर क्या रहे हैं हम और क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं सर्कल में जाएगा, आई एग्री मैन, मतलब ये सर्कल में जाएगा, ये सर्कल में जाएगा ऑफ रेडियस एल, क्योंकि यहां पे तो हिंज है। मैंने कहा जहां पे हिंज है ना उसके उसके कोऑर्डिनेट्स उठा लो ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 2l cos theta comma 0, 2l cos theta comma 0। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं l cos theta comma l sin theta, इस पॉइंट को a बोल दिया, इस पॉइंट को b बोल दिया, कैन आई से 2l cos theta का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप इज वी नॉट आई कैप। ये कैसे लिखा मैंने, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी से लिखा है, डिफरेंशिएट कर दिया कोऑर्डिनेट को 2l माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी थीटी डी टी, चेन रूल लगा के आई कैप इज वी नॉट आई कैप। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, एल माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस एल साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया है इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप। गॉट इट? करना क्या था, इस आंसर को वी नॉट के टर्म्स में लिखना है, तो मैंने कहा ये तो हो गया v नॉट बाय टू आई कैप, v नॉट बाय टू आई कैप, ये तो पूरा ही ऐसे हो गया ना सीधा। गॉट इट?
और फिर यहां पे क्या करूं, यहां पे लिख दो एल कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा, माइनस टू एल साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज वी नॉट, सो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई टू एल साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई टू एल साइन थीटा जे कैप, एल भी कट जाएगा, ये आ जाएगा वी नॉट बाई टू आई कैप माइनस वी नॉट बाई टू कॉट थीटा जे कैप, दैट्स वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, डन। टफ था? ठीक है, क्वेश्चन इज रॉड ऐसे थी, और ये ग्राउंड स्मूथ था, ये ग्राउंड स्मूथ था, ठीक है, और इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से, इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से, मास m है, लेंथ l है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, जब ये गिरेगी रॉड, जब ये गिरेगी रॉड तो किसी इंस्टेंट पे देखा जाए तो FBD में क्या क्या फोर्सेस बन रही है, नीचे mg और परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो सकता है, हो सकता है नहीं, है टाइम के साथ वेरिएबल, इट विल डिपेंड ऑन थीटा, एंगल डिफरेंट एंगल पे पहुंचती जाएगी रॉड तो ये नॉर्मल चेंज होता जाएगा, लेकिन वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, ये तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में जीरो है, क्या मैं ये कह सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में जीरो है, क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में कांस्टेंट है, कांस्टेंट छोड़ो इनिशियली रेस्ट से छोड़ा है तो इनिशियल कितनी थी जीरो, तो वो हमेशा जीरो है एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में जीरो है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में जीरो है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब ये रॉड गिरेगी, जब ये रॉड गिरेगी ये कुछ इस टाइप से गिरेगी, ये रॉड पहले थी ऐसे, इसका सेंटर ऑफ मास था यहां पे, थोड़ी देर बाद सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में ही चलेगा, क्योंकि एक्स में तो चलना ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस तो क्या है जीरो है, थोड़ी देर बाद सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच जाएगा, ये रॉड ऐसे हो जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस हमारा L बाई टू ही रहेगा और ये डिस्टेंस भी L बाई टू ही रहेगा, मतलब अल्टीमेटली जब ये रॉड हॉरिजॉन्टली आके जमीन पे गिरेगी तो ये डिस्टेंस भी L बाई टू होगा, ये डिस्टेंस भी L बाई टू होगा, सेंटर ऑफ मास यहीं पे आके गिरेगा, दैट मेक सम सेंस, ये चीज शायद पहले भी बताई थी मैंने वर्क एनर्जी में, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आई टोल्ड यू दैट कि एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में जीरो है तो एक्सेलरेशन हमारी जीरो है, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, जो कि जीरो थी तो जीरो ही रहेगी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में कहीं नहीं मूव करेगा, वो सिर्फ वाई में चलेगा। अब क्वेश्चन ये बोला गया कि यहां से छोड़ा और थोड़ी देर बाद सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया, तो मैं कहूंगा रॉड ऐसी हो जाएगी, That makes sense? अब क्वेश्चन में कहा गया कि एंगल थीटा ले लो, क्वेश्चन में कहा गया एंगल थीटा ले लो, क्वेश्चन था कि ये रॉड को रेस्ट से छोड़ा, फाइंड वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड
when the rod makes theta with vertical, find velocity and velocity of center of mass and angular velocity of the rod. Omega VCM निकालो और omega निकालो as a function of theta. Theta कहां से है? Theta with vertical. Theta with vertical. That makes some sense. क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पे जब ये पहुंचेगा तो VCM y एक्सिस में ही होगा? That makes sense. क्योंकि x एक्सिस में तो acceleration ही नहीं थी, तो VCM को सिर्फ y में मान लो. और एंगुलर वेलोसिटी कैसे मान लो? ऐसे मान लो. गॉट इट? साथ में ये कह सकता हूं कि ओमेगा इज प्लस डी थीटा बाई डी टी. ओमेगा इज प्लस डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थीटा है. अब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देता हूं. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? लॉस इन जीपी गेन इन ट्रांसलेशनल के ई प्लस रोटेशनल के ई. लॉस इन जीपी कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना हो गया? एल बाई टू, क्योंकि ये एल बाई टू है. ये हो गया एल बाई टू कॉस थीटा और इनिशियल था एल बाई टू, तो हम कहेंगे लॉस इन जीपी हो जाएगा एम जी एल बाई टू. वन माइनस कॉस थीटा इज गेन इन ट्रांसलेशनल के ई, दैट इज हाफ एम वी सी एम स्क्वेयर प्लस हाफ आई सी एम. आई सी एम हो जाएगा एम एल स्क्वेयर बाय 12 ओमेगा स्क्वायर. ये इक्वेशन आ गई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से. ये इक्वेशन आ गई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से. नेक्स्ट प्रॉब्लम, यू हैव टू अननोन्स वीसीएम एंड ओमेगा. यू नीड अ कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन वीसीएम एंड ओमेगा. देयर आर टू वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट. देयर आर टू वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट. वन वे वाज चूज ओरिजिन, टेक कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंशिएट द कोऑर्डिनेट्स. क्या मैं इसको ओरिजिन मान सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये पॉइंट तो खुद खिसक रहा है. ये पॉइंट तो खुद खिसकता जा रहा है. हाँ, टाइम के साथ ये वाला पॉइंट तो खिसक रहा है. तो जो पॉइंट रेस्ट पे हो उसी को ओरिजिन ले सकते हैं. क्या मैं ये कह सकता हूं जो रॉड का पुराने वाला जमीन पे पॉइंट था उसी को ओरिजिन ले लूं? इसको ले लेते हैं. इसको ले लेता हूं ओरिजिन. क्या ले लूं? जीरो जीरो. अब मैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूं इस इंस्टेंट पे? एल बाई टू कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा जीरो कॉमा एल बाई टू कॉस थीटा. ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया. ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया. इसको डिफरेंशिएट करो. वीसीएम कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी एल बाई टू. कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप. कैन आई से दैट विल बी माइनस वीसीएम जे कैप. नीचे की तरफ वीसीएम माना था तुमने. गॉट इट? तो वीसीएम को क्या लिख दोगे? वीसीएम इज एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा. वीसीएम इज एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा. हो गया क्वेश्चन? क्या माना मैंने? VCM is L by 2 omega sin theta. अब कुछ नहीं करना यहां पर. या तो VCM को लिख दो L by 2 omega sin theta. इससे क्या निकल जाएगा? Omega as a function of theta. उसके बाद VCM as a function of theta भी निकल जाएगा. We are done with the question. फिर मैंने कहा क्या मैं किसी और तरीके से सोच सकता था? क्या मैं ये कह सकता था किसी instant पे जब देखा जाए, पहले rod ऐसे थी, ये center of mass था, फिर center of mass यहां पहुंच गया, ये रॉड ऐसे थी, इस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे मानी है? नीचे की तरफ वीसीएम. ये एंगल थीटा लिया है,
वर्टिकल से लिया है और एंगुलर वेलोसिटी कैसे मानी है, ऐसे ओमेगा। इस पॉइंट पे कंस्ट्रेंट लगाओ, नीचे की तरफ हो गया VCM, L बाई टू ओमेगा कैसे हो जाएगा, टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग, ये 90 डिग्री सेंटर में बैठ के देखूंगा घूमते हुए। तो फिर मैं ये कहूंगा अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल अलाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद हॉरिजॉन्टल। फिर मैं ये कहूंगा कि इस पॉइंट की वेलोसिटी प्लेन के अलोंग होनी चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर कट जानी चाहिए। परपेंडिकुलर कितनी है, एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा ऊपर, इधर कंपोनेंट आ गया एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा लेफ्ट में, तो VCM शुड बी एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा, वही आ रहा था। ये दूसरा तरीका हो गया सोचने का। और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई, इस पॉइंट को अगर ए बोल दें, इस पॉइंट को अगर ए बोल दें, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी, लेफ्ट की तरफ एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा। ये कोऑर्डिनेट से भी लिख सकते थे, ये कोऑर्डिनेट कितना था बेटा, जीरो जीरो, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस एल बाई टू साइन थीटा कॉमा जीरो, क्योंकि दिस इज एल बाई टू साइन थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो, दैट वुड बी माइनस एल बाई टू साइन का हो जाएगा कॉस थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा ओमेगा आई कैप, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, यही आ रहा है एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा लेफ्ट में। अच्छा, इस वाले पॉइंट का बी का, इसकी वेलोसिटी अगर तुम जीआरपीएम से देखोगे तो VCM इधर है, ओमेगा ऐसे है, ओमेगा ऐसे है, तो वो ऐसे है, तो VCM तो हो गया ऐसे, और इधर हो जाएगा ये वाला एंगल अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल, अलाइन परपेंडिकुलर मेक्स थीटा विद हॉरिजॉन्टल। इसका कंपोनेंट बनेगा इधर की तरफ L बाई टू ओमेगा कॉस थीटा, इधर बनेगा L बाई टू ओमेगा साइन थीटा। कहना इसे L बाई टू ओमेगा साइन थीटा और VCM तो सेम ही था, तो Y कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा नीचे की तरफ 2VCM, इधर हो जाएगा L बाई टू ओमेगा कॉस थीटा। ये वेलोसिटी हो गई पॉइंट B की, जो कि शायद होनी भी चाहिए, क्योंकि जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो सेंटर ऑफ मास का डबल है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कितना था कोऑर्डिनेट, एल बाई टू कॉस थीटा। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी इस ओरिजिन के हिसाब से, एल कॉस थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखोगे तो एल एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एल बाई टू साइन थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हो गया एल कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एल बाई टू साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा था तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये कितना हो गया L by 2 sin थीटा और y कोऑर्डिनेट हो गया L cos थीटा। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा L by 2 sin थीटा का आ जाएगा cos थीटा और d थीटा by dt plus ओमेगा होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो L by 2 cos थीटा ओमेगा i कैप प्लस L cos का हो जाएगा माइनस sin थीटा और d थीटा बाय dt का हो जाएगा ओमेगा j कैप। तो y कंपोनेंट तक वेलोसिटी का कितना आ गया नीचे की तरफ l ओमेगा sin थीटा, यही आना चाहिए क्योंकि ये था आई थिंक l ओमेगा sin थीटा, l बाय 2 ओमेगा sin थीटा, तो 2 VCM आ गया l ओमेगा sin थीटा और x में क्या आ गया l बाय 2 ओमेगा cos थीटा राइट में। दोनों तरीके से कर दिया, कोऑर्डिनेट मेथड एंड GRBM मेथड की, VCM प्लस IC प्लस आर ओमेगा, VCM प्लस आर ओमेगा वाले मेथड से। हाँ या ना, रुक जाओ, सब कुछ सही है, नथिंग रॉन्ग। ये पॉइंट बी है, सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वाई एक्सिस में चल के गिर जाएगा। किसी ने पूछा बी पॉइंट कैसे चलेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लेफ्ट में,
इसका x कोऑर्डिनेट कितना है b का, l by 2 sin थीटा, y कोऑर्डिनेट कितना है, l cos थीटा, तो x कोऑर्डिनेट को लिख दो b के l by 2 sin थीटा, y कोऑर्डिनेट को लिख दो l cos थीटा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल रहे हैं बी पॉइंट की, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल रहे हैं बी पॉइंट की, x कोऑर्डिनेट हो गया l by 2 sin थीटा, y कोऑर्डिनेट हो गया l cos थीटा, हमें एलिमिनेट करना है थीटा, हमें एलिमिनेट करना है थीटा, क्या करें, स्क्वायर करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे करना पड़ेगा x स्क्वायर बाय l by 2 का, सॉरी x डिवाइडेड बाय l by 2 का होल स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 करोगे तो x डिवाइडेड बाय l by 2 का होल स्क्वायर प्लस y बाय l का होल स्क्वायर इज 1, दिस इक्वेशन इज लाइक x बाय a का x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, की हो गया, अरे ऐसे होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 1, उसका डायग्राम ये होता है, ठीक है, वेयर y को करेंगे 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस a और माइनस a, और फिर हम x को करेंगे 0 तो y की वैल्यू या तो प्लस b और माइनस b कोऑर्डिनेट, ओके, और ये पॉइंट एलिप्स में चल रहा है, क्या हुआ, समझ में आ गया, पॉइंट बी का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, एलिप्स, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, मैं ये कह रहा था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक और ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है, मैंने तो पहले ट्रिक क्या बताई थी, कैसे निकालते थे आई ओ आर, अगर वीसीएम और ओमेगा दिया हो, क्या दिया हो, वीसीएम दिया हो और ओमेगा दिया हो जिसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी, तो यहां पर कहीं वाई पे आ जाएगा जहां पर वीसीएम और वाई ओमेगा कट जाएगा, दिस पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब दूसरी कंडीशन सुनो, अगर किसी क्वेश्चन में VCM और ओमेगा नहीं दिया हो, उसकी जगह क्या दे दिया, किसी पॉइंट की वेलोसिटी दे दी, इस पॉइंट की वेलोसिटी दे दी V1, और जो ये वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी दे दी सपोज V2, अब कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालो, ये पॉइंट ए की वेलोसिटी दे दी और इस पॉइंट बी की वेलोसिटी दे दी, एक काम करना ए वन ए के परपेंडिकुलर एक लाइन बना देना, बना दी, और बी के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी ऑफ बी, वी ए के परपेंडिकुलर एक लाइन बना देना, वी बी के परपेंडिकुलर एक लाइन बना देना, फिर ये कहना इस लाइन का और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और उसके अबाउट ये बॉडी घूम रही है, डज दैट मेक सेंस समहाउ। अब इससे इसको सोचते हुए हम क्या कह सकते हैं, अभी जो पिछला क्वेश्चन किया हमने, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ये रॉड थी,
जब ये यहां पहुंचा, जब ये यहां पहुंचा तो हमें पता है ऐसे VCM ले रहे थे, ये एंगल थीटा लिया था और ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ली थी ओमेगा। फिर मैंने कहा था इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ली थी ऐसे VCM, ऐसे लिया था L बाई 2 ओमेगा, ये वर्टिकल से थीटा तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा, फिर क्या जाता L बाई 2 ओमेगा साइन थीटा इज VCM, और लॉस इन GP लिखा था mg L बाई 2 माइनस L बाई 2 कॉस थीटा इज हाफ m VCM स्क्वेयर प्लस हाफ ICM को लिख दिया था ml स्क्वेयर बाय 12 ओमेगा स्क्वेयर, ऐसे लिखा था ना। That's it ना। फिर मैंने कहा था कि यहां पर VCM को ओमेगा के टर्म्स में लिख देना तो यू विल गेट योर एंगुलर वेलोसिटी। VCM को लिख देना L by 2 omega sine theta, तो omega is a function of theta आ जाएगा। Am I right? ऐसे करना था। मेरे दिमाग में आया, जब ये रॉड ऐसे गिर रही थी, जब ये रॉड ऐसे गिर रही थी यहां पे थी ना, इस इंस्टेंट पे मैंने, और ये एंगल थीटा था, मैंने कहा इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी थी इधर की तरफ, डेफिनेटली इस पॉइंट की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी नीचे की तरफ, डेफिनेटली इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बनाए, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बनाए, दिस पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। सोच रहा हूं मैं इस ट्रिक से कि इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन कैसे भी निकाल सकते हैं हम, दो पॉइंट से उनकी वेलोसिटीज पता है अगर हमें, तो वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, उन पॉइंट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो मैंने कहा ऐसे वेलोसिटी है इस पॉइंट की तो उसके परपेंडिकुलर बनाया, ऐसे वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की तो इसके परपेंडिकुलर बनाया, और मैंने कहा भाई यहां पर हिंज है ये रॉड, और ये मानो कि ये रॉड इस पॉइंट पे हिंज होके इसके अबाउट घूम रही है, तो पता है इसके अबाउट घूम रही है तो इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है L by 2 sin theta, तो कैन आई से VCM इज L by 2 sin theta into omega, got it? टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, सीधा लिखूंगा हाफ आई हिंज, हिंज यहां पर है हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर, आई हिंज को क्या लिख दूंगा एम एल स्क्वायर बाय 12 इस एक्सिस के, ये रॉड ये है ऐसे और ये घूम रही है तो एम एल स्क्वायर बाय 12 तो इसके अबाउट हुआ, मैंने कहा इसके अबाउट घुमाना है प्लस एम डी स्क्वायर, डी कितना हो जाएगा ये लेंथ, That is m d हो जाएगा l by 2 sin theta का square, that is total kinetic energy is half I hinge omega square is total k, do you realize that will be same as this equation, करो VCM को लिख दो l by 2 omega sin theta का square कर देना, होता हुआ दिख रहा है।